किंग टाइडार अपने खेमे में बैठे हुए ली डायनेस्टी की आती हुई सेना का इंतजार कर रहे थे। एक मनहूस सा अंधेरा पूरे कैंप को घेरे हुए था। किंग टाइडार को अब तक बुरी से बुरी खबर सुनने की आदत सी पड़ गई थी, इसलिए जब उन्हें हैशी और ये मोयान के शहीद होने की खबर मिलती है तो उन पर कोई असर नहीं होता। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके सारे इमोशंस को उनके शरीर से अलग कर दिया हो। इधर प्रिंस श्वांडी की नजर से बच के छंगिन जनरल पे की आर्मी के साथ किंग के कैंप तक अब पहुंच गया था। छंगिन अपनी तलवार को कमान से निकालता है और जनरल पे अपनी सेना को आदेश देते हैं कि किंग टाइडार को जिंदा पकड़ना है। शफांग और आदु को इधर छाए मुंह के आदमी ने एक अलग खेमे में कैद करके रखा हुआ था, जिससे शफांग को बाहर क्या हो रहा है इसका पता न चले। माना कि शफांग को बाहर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर वो साफ सुन पा रही थी कि कोई अपनी सेना को किंग टाइडार को पकड़ के लाने का आदेश दे रहा है। अंदर खेमे में बैठे हुए किंग टाइडार को बाहर से अपने लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो सब चिल्ला चिल्ला के बस यही कह रहे थे कि वो मरते दम तक अपने राजा की हिफाजत करेंगे। अचानक से खेमे का पर्दा हटता है और कुशाओ के चेहरे के साथ ली डायनेस्टी का प्रिंस छंगेन आंखों में बदले की आग के साथ अंदर एंटर करता है। वो किंग टाइडार को ऑफर देता है कि अगर आप मेरे सामने खुद के घुटने टेक देते हैं तो मैं आपको जिंदा छोड़ दूंगा। किंग टाइडार प्राउड के साथ ही ऑफर ठुकरा देते हैं। मैं किंग टाइडार कभी किसी के सामने नहीं झुका हूँ और आज भी मर जाऊंगा पर घुटने नहीं टेकूंगा। छंगिन इसके जवाब में कहता है कि मतलब आप खुद के घमंड को बचाने के लिए अपने बचे हुए दांजे के लोगों को सूली पर चढ़ते हुए देखना चाहते हैं। इस बात का किंग टाइडार पर गहरा असर होता हुआ दिखाई देता है। वो कुछ सोचते हैं और फिर छंगिन से कहते हैं, कुशाओ मैं अपनी जिंदगी के बदले अपने दांची के लोगों की जिंदगी का सौदा करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें ये मंजूर है? छंगिन इस सौदे को मान लेता है। किंग टाइडार हंसते हुए कहते हैं, कुशाओ मैं एक बार और तुम पर विश्वास कर रहा हूँ। इसी तरह किंग टाइडार शान से अपनी गर्दन ऊंचे किए हुए सैक्रिफिशियल एरिया में आ जाते हैं। एक बार वो अपने दांची वासियों को नजर भर कर देखते हैं और फिर किंग टाइडार के इशारे पर सैक्रिफिशियल रिचुअल का आरंभ किया जाता है। इधर एक दूसरे की मदद से आदू और शफांग खुद को बंधन से आजाद करने में लगे हुए थे। रिचुअल के समाप्त होते किंग टाइडार छंगिन को रिचुअल का अंतिम पड़ाव पूरा करने का संकेत देते हैं। यहाँ शफांग की रस्सी अब तक पूरी तरह से खुल चुकी थी और आदू की हेल्प से वो उस खेमे से बाहर आ जाती है और बाहर आते उसी समय ठीक उसकी आंखों के सामने छंगिन अपनी तलवार से उसकी ग्रैंडपा की गर्दन उनके थड़ से अलग कर देता है। उसी पर शफांग वहीं बेहोश हो जाती है। जब शफांग होश में आती है तो वो अपने सामने उसी शादी के लिबास में कुशाओ को देखती है। वो तुरंत उसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है। इसी बीच शफांग की नजर छंगिन के आमा पर पड़ती है और कल रात घटा पूरा दृश्य उसके सामने आ जाता है और वो चेहरा भी जिसने उसके ग्रैंडपा को मारा था। वो चिल्ला के छंगिन को खुद से दूर ढकेल देती है। शफांग से ये सच बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसने कुशाओ को अपनी जिंदगी में लाके कितना बड़ा पाप कर दिया है। पिछली हुई उन घटनाओं को सोच सोच के उसका दिमाग फटा जा रहा था। छंगिन के पास अपनी सफाई में कहने को खासा कुछ भी नहीं था, फिर भी वो अपने टूटे फूटे शब्दों में खुद को एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा था, जिसके जवाब में उसे शफांग का एक नफरत भरा थप्पड़ मिलता है। वो छंगिन के ऊपर इल्जामों की लाइन लगा देती है, तुमने मेरे अब्बा को मार दिया, तुमने मेरे पूरे दांची को उजाड़ दिया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। छंगिन उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि शफांग मैंने तुमसे कई झूठ बोले हैं, पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए बिल्कुल सच्चा है, मैं सच कह रहा हूँ। शफांग पर भूत सवार हो जाता है छंगिन को मार डालने का। उसी की तलवार से वो उस पर बेतहाशा वार करती जाती है, पर जैसे ही उसके वार से छंगिन को बस हल्की सी ही चोट लगती है, शफांग वहीं रुक जाती है।
उसका काम आसान करने के लिए छंगिन शफांग के हाथों से ही खुद के सीने में वो तलवार आर पार करने वाला ही होता है कि छायमो आकर ये सब यहीं पर रोक देते हैं। छायमो छंगिन को इमोशनल ना होके अब आगे क्या करना है इस पर ध्यान देने की सलाह देते हैं। और रही बात शफांग की, तो उसे अभी काबू में रखने के लिए वो उसे बेहोशी की दवा दे देते हैं। कोचियान जब शफांग को ऐसी कमजोर हालत में पाता है तो वो बिना एक पल गवाए उसे उठा के वहाँ से दूर ले जाने लगता है, पर छंगिन उसे ले जाने दे तब ना। हालांकि अब बहुत हुआ, आज कोचियान किसी भी हालत में रुकने वाला नहीं था, फिर चाहे अब उसे अपने अडॉप्टिव फादर के ही अगेंस्ट जाना पड़े। शफांग को छंगिन के भरोसे छोड़ कर वो ऑलरेडी बहुत बड़ी गलती कर चुका है, लेकिन अब ये गलती वो आगे नहीं दोहराने वाला है। वो सीना ताने छंगिन और उसकी सेना को चैलेंज करता है कि देखते हैं कौन रोकता है मुझे। छायमो की हार्टबीट तेज हो गई थी, उन्हें डर था कि कहीं छंगिन गुस्से में आकर कोचियान को हर्ट न कर दे। पर फॉर्चुनेटली छंगिन अपनी तलवार को मयान से नहीं निकलने देता और अब जाके छायमो की जान में जान आती है। जनरल पे अपनी सेना के कुछ टुकड़ियों को गुजियान और शफांग के पीछे लगा देते हैं, इस ऑर्डर के साथ कि उन्हें उन दोनों को पकड़ना नहीं है, बस उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना है। गुजियान को इतना तो पता था कि वो शफांग को छंगिन से दूर तो ले आया है, पर ली डायनेस्टी के चंगुल से शफांग को सेफ रखना मुश्किल टास्क है। बात ये थी कि ली डायनेस्टी ने वेस्टलैंड के काफी छोटे बड़े राज्यों को अपने अधिकार में ले लिया था, बस एक शीजू ही ऐसा बड़ा राज्य है जो उनके अधिकार में नहीं आता है। और मिंगवान की मौत के बाद से तो ली डायनेस्टी और शीजू के जो रिश्ते थे वो भी टूट गए हैं। इसलिए अगर ली डायनेस्टी को शीजू राज्य पर फिर से अपना कंट्रोल जमाना है तो वहाँ के प्रिंसेस शफांग का क्राउन प्रिंस से शादी करवाना बेहद इम्पोर्टेंट है। शफांग को कोचियान पर अब उतना भरोसा नहीं रह गया था, उसके मन में बहुत सारे सवाल थे जो कोचियान से जवाब पाने के लिए तड़प रहे थे। शफांग दिल से चाहती थी कि उसके मन में कोचियान के लिए जो शक पैदा हुआ है वो झूठ साबित हो जाए, इसीलिए वो कोचियान से सीधा जवाब मांगती है कि मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें भी कुशाओं ने अपनी बातों में फंसाया था या तुम पहले से ये सब जानते थे। कोचियान उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि उसे सब कुछ पहले से ही पता था। शफांग को धोखा सिर्फ उसके प्यार कुशाओ ने ही नहीं, उसके बचपन के दोस्त उसके सबसे भरोसेमंद शिपू ने भी दिया है। शफांग की जगह कोई और भी होता तो ये सदमा सह नहीं पाता। कोचियान उसे बताता है कि छंगिन के आने से पहले उसने कभी भी उससे कोई झूठ नहीं बोला है, बस इधर वो अपने मिशन के कारण मजबूर हो गया था। वो शफांग से भीख मांगता रह जाता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे आप अकेले छोड़ के मत जाओ, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने दो। शफांग उसकी बातों को अनसुना करते हुए उसे वहीं छोड़ के चली जाती है। यहाँ शोबु राज्य में छंगिन की मदद के बिना ही ली दान ने शोबु किंग को रास्ते से हटा के खुद को यहाँ का नया राजा घोषित कर दिया था। वेस्टलैंड मेंशन में प्रिंस श्वांडी छंगिन से पूछताछ कर रहे थे कि उसे जब यहाँ वेस्टलैंड में रहने को कहा गया था तो वो किंग टाइडार के कैंप में कैसे पहुँच गया। छंगिन बातें बनाने लगता है कि वो बाई चांस वही पास के एरिया में डाकुओं के हमलों पर लगाम लगाने गया था और वहीं उसका रास्ते में जनरल पे से मिलना हो गया। एंड एट लास्ट वो भी क्यूरियस होके जनरल पे के साथ इस लड़ाई में शामिल हो गया। अपनी बातों को कंक्लूड करते हुए वो आखिर में प्रिंस श्वांडे की चापलूसी करते हुए कहता है कि अगर आपने इतने कुशल तरीके से पूरे दांजी को काबू ना किया होता तो मैं किंग टाइडार को मारने में कभी सफल नहीं हो पाता, एकदम नामुमकिन था। प्रिंस श्वांडे ली यान के साथ जोंगयान के लिए निकल जाते हैं क्योंकि जल्द ही पहुँच कर उन्हें अपने फादर से दांजी को हराने का पूरा क्रेडिट भी तो लेना है, और साथ ही ली यान को इस समय अच्छे डॉक्टर से इलाज की जरूरत है जो वहाँ पैलेस में ही मिल सकते हैं। शफांग और आदू पैदल ही शीजू तक का सफर तय कर रहे थे, कोचियान भी साए की तरह उनका पीछा कर रहा था और चोरी छुपके उनका ये सफर आसान करने में लगा हुआ था। कई दिनों तक
लगातार सफर करते हुए वो दोनों सही सलामत घर पहुंच गए थे। पर पता नहीं क्यों आज उसका ये महल वैसा नहीं लग रहा था जैसा हमेशा लगता था। ना ही वहाँ किसी के होने की हलचल थी और ना महल की सुरक्षा के लिए कोई सैनिक मौजूद थे। वहाँ बस सिर्फ साए साए करता हुआ सन्नाटा ही था। इस बात पर ज्यादा गौर किए बिना वो दोनों सुकून भरी मुस्कान के साथ अपने महल के अंदर कदम रखते हैं। अपना कपड़ा वगैरह चेंज करने के बाद शफाक अपने फादर से मिलने पहुँचती है। फादर सामने ही बैठे हुए थे पर फिर भी बार बार बुलाने पर भी उनकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे किसी बात का उसके फादर को सदमा पहुंचा हो। एकदम बुत बन के बैठे हुए थे वो। जब शफांग फादर से पूछती है, पिताजी वहाँ कहाँ है? फादर फुसफुसाते हुए कहते हैं, शफांग यहाँ से भाग जाओ, जल्दी करो भाग जाओ। तभी जनरल गावशन की सेना शफांग को चारों ओर से घेर लेती है। गावशन उसके फादर से कहता है, अब तो प्रिंसेस वापस आ गई है, अब तो शादी का प्रॉमिस पूरा कीजिए। शफांग फिर से अपने फादर से पूछती है कि माँ कहाँ है पिताजी, माँ कहाँ है पिताजी। इस बार वो उसे पूरी बात बताते हैं कि तांचियों से जीतने के बाद तांचियों की आखिरी रॉयल वंशज उसकी माँ को ये सब पकड़ने आए थे। इन सब ने उसकी माँ को पूरी तरह से अपमानित किया था और उसकी माँ ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई और अंत में उन्होंने खुद को चाकू मार के सुसाइड कर लिया, बिल्कुल उनकी आँखों के सामने। वो कावशन की तरफ इशारा करके चिल्लाते हैं कि ये सब तुम्हारी माँ के खूनी है। वो शफांग को बार बार यहाँ से भाग जाने के लिए फोर्स करते हैं और खुद पागलों की तरह कावशन की सेना पर तलवार चलाने लगते हैं। अपने फादर की हरकतों को देखकर शफांग को समझ आ गया था कि उसके फादर का दिमागी संतुलन अब बिगड़ चुका है।